बॉर्डर पर गुस्ताखी का चीन को मिलेगा जवाब। चीन की आर्थिक कमर तोड़ेगा भारत। BSNL ने टेंडर छीन कर की शुरुआत। भारत के तेवर हुए तेज। चीन को नहीं बख्शेगा भारत। जी हां, लद्दाख बॉर्डर पर चीनी सेना द्वारा की गई गुस्ताखी के लिए भारत के तेवर तेज हो गए हैं। भारतीय टेलीकॉम मंत्रालय के अधीन काम करने वाली कंपनी BSNL की 4G टेक्नोलॉजी की स्थापना में चीन की कंपनियों को दूर करने के आदेश दे दिए गए हैं, जिससे चीन को आर्थिक तौर पर काफी नुकसान पहुंचेगा। दरअसल पिछले 2 महीने से लद्दाख की सीमा LAC पर लगातार भारतीय और चीनी सैनिकों में झड़प चल रही है, और बीते एक दिन पहले ये झड़प इतनी बढ़ गई कि भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए। हालांकि चीनी आर्मी को भी काफी क्षति पहुंची है। खबर है कि इस खूनी झड़प में चीनी फौज के 43 सैनिक मारे गए हैं, जिसके बाद सीमा विवाद को लेकर भारत के साथ खूनी संघर्ष का बदला चीन को आर्थिक चोट देकर किया जाएगा। दरअसल टेलीकॉम कंपनी BSNL की हालत काफी खस्ता चल रही है, जिसको रिवाइव करने के लिए इन दिनों संचार विभाग की तरफ से कई प्रयास किए जा रहे हैं। BSNL में 4G को प्लान किया जा रहा है और चीनी कंपनियों से इसके लिए डील की गई थी, क्योंकि चीन जल्द ही 5G नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड करने की तैयारी में है, और जिसके लिए BSNL के साथ डील हो चुकी थी। लेकिन अब चीन की इस कायराना हरकत के बाद चीनी कंपनियों के टेंडर को रोकने का निर्देश दे दिया गया है, जिससे चीन को आर्थिक तौर पर बेहद नुकसान होगा। बहरहाल चीन की इस कायराना हरकत से देश में बायकॉट चीनी प्रोडक्ट की मुहिम तेज हो गई है, और ये भी साफ है कि चीन को अपनी हरकत का हर्जाना हर हाल में भुगतना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप, दिल्ली।